गुड मॉर्निंग 10th क्लास, आई एम शिल्पा फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल गुरु नानकपुरा. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द प्रोवर्ब्स फ्रॉम 30 to 40. दिस इज इन योर टर्म 2. टेक आउट योर पेंसिल्स एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द वीडियोज फॉर टर्म 2. लेट्स स्टार्ट. डोंट ट्राई टू वॉक बिफोर यू कैन क्रॉल. इहदा मतलब है कि जदों तुसीं क्रॉल ही नहीं किया, जे रेंग के नहीं चले तो सीधा ही चल के पैरां ते चलना पॉसीबल नहीं, तो ट्राई भी ना करो. मतलब वो कहना ये चाहते हैं, अखाण हुंदे जिवें पंजाबी दे विच, कि हरेक चीज़ आपदी कैलीबर दे मुताबिक ही करो. पहला जो कर सकते हो पहला एक पौड़ी चढ़ो फिर दूजी ते चढ़ो, ये नहीं कि सीधा ही दूजी ते छाल मारो. डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर कैलीबर. लर्न नाल नाल करते रहो. So this would be your homework also. Don't try to walk before you can crawl. इहदा मतलब है do things according to your caliber. Next है early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. इहदा मतलब है early to bed, early to rise बहुत आसान मीनिंग है कि जल्दी सोवो तो जल्दी उठो. इहदे नाल एक person healthy भी बनता है, अमीर भी बनता है, तो दिमाग दा तेज भी बनता है. वन शुड स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली टू रिमेन हेल्दी. बहुत ईजी है. वन शुड स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली टू रिमेन हेल्दी. 32nd इज एम्प्टी वैसल्स मेक द मोस्ट नॉइस. जड़ा भांडा हुंदा है, बर्तन हुंदा, यूटेंसिल बोलते हैं जिन्हों, जे वह खाली होवे तो थले सुटिए ज़्यादा खड़का करता है, जो वो कोई चीज़ होवे तो थले डिगे तो घट खड़का करेगी. मतलब उही है कि जेडे परसन दे विच गुण हुंदे है वह ज़्यादा खड़का नहीं करते, तो जेडे बहुत ज़्यादा रौला पाते हैं उन्हां च गुण भी नहीं हुंदे, ताहीं वह रौला ही पान जोगे हुंदे. वन हू डजंट हैव एनी गुड क्वालिटी इन हिम शोज ऑफ मोर. जेडी उहदे च क्वालिटी जिहदे बंदे च ज़्यादा हुंदी नहीं वह शो ऑफ ज़्यादा करदा है. नैक्सट है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. हाँ जी, इहदा मतलब है कि किन्नी भी कोई सौरफुल सिचुएशन आ जाए, असी दुखी होइए, एक टाइम यह जहाँ जरूर आऊगा कि दुख दूर होजूगा तो हैप्पीनैस आऊगी. ईवन द ग्रेटेस्ट सौरो है सम हैप्पीनैस हिडन बिहाइंड इट. मतलब किन्नी भी ना उम्मीदगी होवे पर उम्मीद की किरण हुंदी ही हुंदी है. ईवन द ग्रेटेस्ट सौरो है सम हैप्पीनैस हिडन बिहाइंड इट. नेक्स्ट 34th है एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हैवन बट नो बडी वॉन्ट्स टू डाई. मतलब अब कहने कि सारे स्वर्ग च जाना चाहते हैं पर मरना भी कोई नहीं चाहता. यदा मतलब यह है कि सारे लग्जरी लाइफ जोना चाहते हैं, मैनू आ मिल जाए, मैनू वो मिल जाए, पर काम कोई भी नहीं करना चाहता. एवरी वन वॉन्ट्स लग्जरीज इन लाइफ. मतलब ऐशो आराम दी चीज़ा हरेक पाल दे, बट नो वन वॉन्ट्स टू वर्क फॉर दैम. पर उन्हां नू पाण दे लई काम कोई ही करना चाहता या कोई भी नहीं करना चाहता. 35th है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड. फूल्स मतलब इनएक्सपीरियंसड, जिन्हों एक्सपीरियंस ना होवे. डू समथिंग दैट द मोर इनफॉर्म्ड पीपल वुड अवॉयड. इहदा मतलब है एंजल इहदा मतलब है जिन्हों समझ होवे. जेड़े बंदे नू समझ हुंदी है वो एहजे काम तो दूर रहिंदा है, वो काम जिहड़ा मूर्ख व्यक्ति करदा ही करदा. द इनएक्सपीरियंसड डू समथिंग दैट द मोस्ट या मोर इनफॉर्म्ड पीपल वुड अवॉयड. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है 36th फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. फॉर्चून मतलब किस्मत, ब्रेव मतलब ताकतवर. या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हिम्मत करता है किस्मत भी उसे दा ही साथ दिंदी है. आप कह दी आप पढ़ना है नहीं, परमात्मा आपे पास कराऊगा, पढ़ना तो पऊगा फिर ही पास होवांगे. गॉड हेल्प्स दोज हू डेयर. जेड़े हिम्मत करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे कोई भी काम करते, जेड़े हिम्मत करेंगे रब भी उन्होंने सहायता करूंगा. हाथ ते हाथ धरन वाले की सहायता नहीं करता. 37th है गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्स. ये भी सेम चीज़ ही है. इफ़ यू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग. जे तुसी कोई चीज़ पाने लिए कोई एफर्ट करोगे ना, जरूर वह फल लगता ही लगता है. यू विल बी सक्सैसफुल. थोनू सक्सैस मिलेगी ही मिलेगी. 38th है हैंडसम इज सो हैंडसम डज. मतलब की है कि कम जे आप करते हैं तो ही खूबसूरत लगते हैं, ना कि जे आप सोहने हैं देखने ता खूबसूरत लगते हैं. अपने कम सोहने होण
ताई ओ सोहना बंदा सोहना ताई है जो काम भी सोहने करे। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, मतलब हैंडसम मतलब सोहना, एज हैंडसम मतलब कम, डज मतलब डूअरली क्या गया कि जे कम सोहने होणगे ताई ओ एक परसन सोहना होगा। बंदा बहुत सोहना होवे, काम उहनूं कोई ना आंदा होवे या करना ना चाहुंदा होवे, फिर उहदा ब्यूटी कोई मतलब दे नहीं। तो बंदा कोई ठीक ठाक होवे पर काम उहदे बहुत सोहने होण, वह सबनूं ही बहुत वधिया लगेगा, सोहना लगेगा, चाहे वह एवरेज जिहा भी होवे। अगला है हेस्ट मेक्स वेस्ट, काली अगे टोए जिवें कहिंदे आ कि इफ यू डू सम जॉब या अ जॉब इन हरी इट कैन बी स्पॉइल्ड। ठीक है, मतलब कि जे आपां कोई काली च काम करदे हैं कई बार वह खराब भी हो जाता है, अग्गा दौड़ पिछा चौड़ भी कहने इनू आपां। लास्ट है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि जो पहला हो चुके है वह दोबारा होना ही होना है, हिस्ट्री आपदे आप नू रिपीट करती ही करती है। जे आपां कुछ कर रहे हैं जरूर अपने पूर्वजों करके गए होंगे, जिवें आपां ट्रेंड देख लिए, फैशन देख लिए किसी कपड़िया का, पहला कोई होर फैशन सी फिर बदलिया, फिर कई बार दोबारा फिर उही फैशन आ जाता है। उवें ही हरेक चीज़ से चीज़ है कि हिस्ट्री आपदे आप नू रिपीट करती ही करती है। So these are your proverbs from 30th to 40. In the next video, the rest 20 to 29 proverbs will be uploaded. Thank you all of you.